आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो नाम सुना होगा लेकिन क्या बिजनेस इंटेलिजेंस का नाम सुना है अगर नहीं सुना तो यह वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही शॉर्ट वे के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं बिजनेस इंटेलिजेंस होती क्या है बिजनेस इंटेलिजेंस के बेस पे आजकल लोग सोल्यूशन रहे हैं यूजिंग ए बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है बिजनेस इंटेलिजेंस एक्चुअली इन्वॉल्व द स्ट्रेटजीज एंड टेक्नोलॉजी इज़ यूज बाई इंटरप्राइज यानी कि इंडस्ट्रीज़ फ़ॉर द डेटा अनालस ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन इसको हम बी आई भी बोलते हैं यानी कि ऐसी इंटेलिजेंस जो इन्वॉल्व होती है इंडस्ट्री या इंटरप्राइजेज जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उनके डिसीजंस लेने के लिए बेस्ड ऑन द डेटा और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग को हम बोलते हैं डेटा साइंस अगर वही डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग आपके बिज़नेस पे इम्प्लीमेंट की जाए इसको हम बिजनेस इंटेलिजेंस बोलते हैं अब डेटा से मुराद ये है कि जो भी आपकी सेल्स परचेज कहीं पे इन्वेस्टमेंट कोई प्रॉफिट कोई वट एवर यू हैव डन इन योर बिजनेस उस डेटा के बेस पे आप फ्यूचर को जब प्रडिक्ट करते हैं या बिज़नेस डिसीजन लेते हैं उसको हम बोलते हैं बिज़नेस इंटेलिजेंस एक इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आपने फॉर एक्जाम्पल एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया है जिसको मैं बहुत ही लो लेवल पे अगर मैं लेके जाऊँ तो उसको मैं बोलता है कि नान टिक्की का बिजनेस स्टार्ट किया और आपका प्रीवियस डेटा आपको बता रहा है कि सैटरडे और संडे के दिन नान टिक्की की सेल कम होती है रीज़न क्या है आप स्कूल के सामने ठेला लगाते हैं और स्कूल वाले बच्चे सैटरडे संडे को ऑफ लेते हैं ठीक है क्योंकि ऑफ होती है हॉलीडे होती है तो बिजनेस इंटेलिजेंस ये कहती है बेस्ड ऑन द डेटा सैटरडे और संडे को बहुत कम आप नान टिक्की बनाए बेचनी तो हैं ही आपने या आप लोकेशन को चेंज कर लें दिस इज कॉल्ड बिजनेस इंटेलिजेंस बहुत ही देसी एग्जाम्पल है लेकिन यही बड़ी बड़ी कंपनीज में भी इम्प्लीमेंट की जाती है दोबारा से डेफिनेशन पढ़ते हैं आपको और भी ईजिली uh, समझ आएगी बिजनेस इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स द स्ट्रेटजीज जो मैंने आपको बोला कि नान टिक्की का जो ठेला है वो स्कूल के सामने ना लगाएं कहीं और लगा लें एंड टेक्नोलॉजीज यूज बाय इंटरप्राइजेज अब स्ट्रेटजीज के अलावा टेक्नोलॉजीज भी हो सकती हैं क्या आप ऑनलाइन नान टिक्की बेचना स्टार्ट कर दें यूज बाय एंटरप्राइजेज फॉर द डेटा एनालिसिस ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन आप कोई भी स्ट्रेटजीज टेक्नोलॉजीज या कुछ भी जो डेटा एनालिसिस को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस और बिजनेस इंटेलिजेंस आपको हेल्प करती है टू टेक योर बिजनेस डिसीजंस बी आई इसे बोला जाता है बी आई इन प्रोवाइड्स हिस्टोरिकल करंट एंड प्रिडिक्टिव ऑफ बिजनेस यही नहीं कि आप आप सिर्फ अपने करंट बिजनेस के बारे में जान रहे हैं आप प्रीवियस बिजनेस के बारे में भी जानते हैं बी आई के थ्रू और आने वाले दिनों के बारे में भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं दिस इज कॉल्ड बिजनेस इंटेलिजेंस इसको बी आई भी बोला जाता है और पावर बी आई एक टूल है जो बेसिकली बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए आपको हेल्प आउट करता है समझ आ गई है समझ आ गई है तो कोई एक डेफिनेशन आप राइट डाउन करें इन द कमेंट सेक्शन कि बिजनेस इंटेलिजेंस आपको किस तरीके से समझ आई और कोई एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे राइट uh, डाउन कर सकते हैं ताकि दूसरों को भी समझ आए अब हम आगे चलते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस का मेन पर्पस क्या होता है मेन पर्पस ऑफ बी आई इज टू सपोर्ट बेटर बिजनेस डिसीजन मेकिंग जो मैंने आपको पहले भी बताया कि बेटर डिसीजन मेकिंग के अंदर आप इसको यूज करते हैं असेंशियली बी आई यूजेज सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर टू ट्रांसफॉर्म डेटा इंटू एक्शनेबल इन साइड दैट इनफॉर्मर्स एज दैट इन्फॉर्म्स एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल बिज़नेस डिसीजन यानी कि मेरी एक कंपनी है मैं कोई भी एक बी टूल यानी कि बिज़नेस इंटेलिजेंस का टूल यूज़ करूँगा और उस टूल के अंदर जो मैं डिसीजन मेकिंग करने वाला हूँ बेस्ड ऑन माई प्रीवियस डेटा और या करंट डेटा और उसमें फ्यूचर डिसीजन की मेकिंग के लिए जो मुझे हेल्प आउट करेगा वो मेन पर्पज़ होता है बिज़नेस इंटेलिजेंस का इसमें आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं इसमें आप प्लानिंग यूज़ करते हैं इसमें डिफरेंट किस्म के आप मॉडल्स यूज़ करते हैं इसमें डिफरेंट किस्म की आप मीटिंग्स या ऑर्गेनाइजेशन के साथ टास्क रखते हैं इसमें डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं अ लॉट ऑफ थिंग्स गोज इन दिस बिजनेस इंटेलिजेंस सोल्यूशन एंड डिसीजन मेकिंग इन योर बिजनेस अब हम क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे जब डिसीजन मेकिंग करते हैं फॉर बिजनेस की बिजनेस से मुराद ये है कि हमने अपना प्रॉफिट जनरेट करना होता है ठीक है क्योंकि नॉन प्रॉफिट के लिए डिफरेंट होगा बिजनेस मॉडल यहाँ पे डिफरेंट होगा और हम यहाँ पे बिजनेस मॉडल के ऊपर बात नहीं करें या हम यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के ऊपर सिर्फ बात नहीं करें हम सोलूशन्स की भी बात करें बी आई के जो सॉफ्टवेयर्स या हमारी सर्विसेज जो अवेलेबल है ठीक है सॉफ्टवेयर्स एंड सर्विसेज अब टूल्स एंड प्रोसेस क्या होते हैं बी आई टूल्स यानी कि बिज़नेस इंटेलिजेंस टूल्स एक्सेस एंड एनालाइज डेटा साइट्स एंड प्रेजेंट एनालिटिकल फाइंडिंग इन रिपोर्ट्स अब आप क्या करते हैं बी आई टूल्स को यूज़ करते हैं डेटा सेट को लेते हैं उनको प्रजेंट करते हैं एनालिटिकल फाइंडिंग्स को इन रिपोर्ट या समरीज के अंदर या डैशबोर्ड्स के अंदर या ग्राफ्स के अंदर या चार्ट के अंदर या मैप्स के अंदर अब ये हैं वो चीज़ें जो आपके डेटा को समराइज़ करती हैं और अगर आप गौर करें यह ज़्यादातर चीज़ें ग्राफिकल प्लॉटिंग या डेटा विजुअलाइजेशन से रिलेटेड है यहाँ पर देखें आप सबसे ज़्यादा फाइंडिंग्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं समरीज समरीज आप डिफरेंट किस्म के प्लॉट्स के थ्रू ले सकते हैं डैशबोर्ड्स डैशबोर्ड्स प्लॉट्स का मजमुआ होता है जो इंटरेक्टिवली आप देख भी सकते हैं ग्राफ्स या चार्ट्स जो हैं डेटा विजुलाइजेशन मैप्स भी डेटा विजुलाइजेशन है तो अगर आप इस पूरे मेजर पार्ट को देखें तो डैशबोर्ड ग्राफ्स चार्ट्स एंड मैप्स जो हैं ये बेसिकली डेटा विजुलाइजेशन है रिपोर्ट्स एंड समरीज डेटा विजुलाइजेशन के बगैर मुमकिन ही नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि टूल्स एंड प्रोसेस जो बिज़नेस इंटेलिजेंस के लिए ज़रूरी हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा विजुलाइजेशन यानी कि जो डेटा आपका आपने एनालाइज़ किया है उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं ऑब्वियसली आप एक डेटा एनालिस्ट हैं आपका काम है कि डेटा को एनालाइज़ करना और रिकमेंड करना आपके सॉल्यूशंस टू द स्टेक होल्डर स्टेक होल्डर्स कौन है जो आपकी कंपनी के मालिकान हैं या आपके बॉसेज़ हैं या वो लोग जो डिसीजन मेकिंग के अंदर या आपके बिजनेस को इम्पैक्टफुल बनाने के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं अब आप ये तो कह नहीं सकते कि मैंने डेटा एनालाइज़ कर लिया है आप ऐसा करें अपने बिज़नेस को इस डायरेक्शन में ले जाए नहीं आपने डेटा के दलाइल के साथ बताना होता है यानी कि आपने क्या करना है डेटा लिया डेटा को एनालाइज किया रिपोर्ट बनाई रिपोर्ट में बताया कि पिछले पाँच सालों में हमारी सेल फ्लांग सिटी के अंदर बढ़ रही है तो आप कहेंगे इसमें और इन्वेस्ट करें या आप ये एनालाइज करते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक पेन सेल कर रहे हैं और उस पेन की मार्केट जो है वो बेसिकली फैसलाबाद सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है और उसकी सेल भी बहुत ज़्यादा है लाहौर में कम है कराची में कम है तो आपने रीजंस फाइंड आउट करनी है कि ये पेन फैसलाबाद में ही क्यों ज़्यादा सेल हो रहा है ठीक है उसमें यह भी हो सकता है कि जो आपकी शॉप है या ऑफिस है या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा हैं या आप स्कूल्स के बच्चों को ज़्यादातर प्रेफर करें या आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो फैसलाबाद की टीम की है वो टोटली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर तो टू लाहौर या कराची सो देन यू विल टेक डिसीजन बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस ये पेन क्यों सेल हो रहा है ये आपको डेटा बताएगा और डेटा के थ्रू आप डिसीजन ले सकेंगे समझ आ गई है ओके okay हो गया अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास मैप्स टू प्रोवाइड यूजर्स विद डिटेल्ड इंटेलिजेंस अबाउट द स्टेट ऑफ द बिजनेस हमारा काम यह है कि स्टेक होल्डर को या यूजर्स को या जो जो भी पावर बी के या बी आई इंटेलिजेंस टूल्स या बी आई टूल्स जो यूज कर रहे हैं उनको ये बताना कि आपकी स्टेट यानी कि करंट स्टेट इस वक्त आपका बिजनेस किस जगह पर जब आपने ये बता दिया ना बिलीव मी दैट पर्सन कैन एनालाइज की अच्छा क्या प्रॉब्लम्स हैं कौन से सोल्यूशन हम दरियाफ्त कर सकते हैं इसी वजह से बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज या बहुत स्मॉल स्टार्टअप भी बी आई टूल्स को यूज़ करते हैं क्यों क्योंकि उनको अपनी सेल्स वगैरह बढ़ानी होती है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया अब पावर बी आई जो बिजनेस इंटेलिजेंस का टूल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है रीज़न क्या है इसके पीछे पावर बी आई माइक्रोसाफोट्ट का एक टूल है जिसको हम माइक्रोसॉफ़्ट पावर बी आई भी बोलते हैं ये पावर है बिज़नेस इंटेलिजेंस के लिए ये एक टूल है जिसका नाम है पावर बिजनेस इंटेलिजेंस आप इसको पावर बी आई भी बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है बिज़नेस इंटेलिजेंस के लिए क्यों क्योंकि ये इंटीग्रेशन और इसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान है यानी कि एक यूज़र फ्रेंडली इसका इंटरफेस है और पावर बी आई इंटीग्रेट करता है एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के साथ ऑटोमेशन आसान हो जाती है इंटरप्रिटेशन आसान हो जाती है प्लॉट्स बनाने आसान हो जाते हैं और ये आपको स्केल अप करने का भी टाइम देता है ठीक है फिर ये रियल टाइम प्रोसेसिंग भी करता है यानी कि आपका डेटा रोजाना के बेस पे जितना भी आता रहेगा यू कैन एक्चुअली एनालाइज दैट डेटा बेस्ड ऑन योर इंटेलिजेंस ठीक है पावर बी आई डैशबोर्ड्स प्रोवाइड रियल टाइम व्यू ऑफ द बिजनेस विद कैपेबिलिटी टू अपडेट ऑटोमेटिकली एज वेल एज रिफ्रेश द डेटा ठीक है दिस मीन्स डिसीजन कैन बी मेड प्रॉम्ली बेस्ड ऑन द लेटेस्ट डेटा अवेलेबल अब हमने क्या करना है पावर बी को यूज़ करना है इस पूरे कोर्स के अंदर और ऑब्वियसली पावर बी के अलावा भी टूल्स मौजूद हैं जैसे पाइथन है आपके पास टैबल्यू है मैंने प्रॉपर उन दोनों कोर्सेज़ के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हुए हैं आप जहाँ जाके वहाँ पे ये भी कोर्स सीख सकते हैं और पावर बी की पूरी प्ले का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ये कोर्स एक्चुअली विल हेल्प यू टू ग्रो बेटर ठीक हो गया अब देखते हैं कि जी इंटीग्रेशन एक्सेसिबिलिटी है रिच कस्टमाइजेशन है विजुअलाइजेशन है एंड देन एडवांस एनालिटिक्स में पावर बी आई हमें बहुत हेल्प आउट करता है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि पावर बी आई क्यों जरूरी है क्योंकि पावर बी आई जो है हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों में हेल्प आउट करता है इन अ वे एज कंपेयर टू अदर सॉफ्टवेयर्स चलें अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पावर बी आई के कितने प्रोडक्ट्स हैं यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बी आई के कितने इकोसिस्टम है कितने प्रोडक्ट्स उनके मौजूद है सबसे पहले इनका पावर बी आई डेस्कटॉप है जो हमने इंस्टॉल कर लिया हुआ है ऑलरेडी ठीक है या अगर आप हमारी प्ले में जाएंगे तो वहाँ पर आपको नजर आ जाएगा फिर आपके पास है पावर बी की सर्विसेज कौन कौन सी हैं एंड देन पावर बी मोबाइल है पावर बी सर्विस सॉरी नॉट नॉट सर्विस पावर बी सर्विस देन पावर बी मोबाइल देन पावर बी आई रिपोर्ट सर्वर फिर आपके पास पावर बी आई इम्बेटेड है ये आपके पास पाँच प्रोडक्ट्स हैं पावर बी आई डेस्क टॉप पर हम ज़्यादातर काम करेंगे इस पूरे के पूरे कोर्स uh, के अंदर एंड देन एट द एंड समरी ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस क्या हमें कहती है बिज़नेस इंटेलिजेंस इज़ अ टेक्नोलॉजी ड्रीवन प्रोसेस फॉर एनालाइजिंग डेटा एंड प्रजेंटिंग एक्शन एबल इंफॉर्मेशन टू हेल्प एक्जिक्यूटिव मैनेजर्स एंड अदर कॉरपोरेट्स एंड एंड यूजर्स मेक इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजन यानी कि बिजनेस इंटेजेंस क्या होगा टेक्नोलॉजी है या सॉफ्टवेयर आया कोई भी प्रोसेस है जिससे हम अपने डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं फॉर बिजनेस के पर्पजेज़ के लिए और पावर बी आई एक टूल है जो हमें नॉन टेक्निकल यूजर रियल टाइम अपडेट और एक्सटेंसिव कस्टमाइजेशन के थ्रू हमें बताता है कि आप किस तरीके से बी आई टूल्स को यूज़ करके डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं फॉर योर एनासिसिस यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा होपफुली अब ये जो सारा प्रोसीजर है फॉर बी आई या बिजनेस इंटेलिजेंस का इसके लिए पावर बी आई यूज़ होता है टैबल्यू भी यूज़ होता है पाइथन भी यूज़ होता है देर आर मेनी अदर टूल्स आउट देयर जो आप बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं अब आपकी छोटी सी असाइनमेंट ये है जो लोग इस कोर्स को प्रॉपरली देख रहे हैं उनके लिए आपने कमेंट सेक्शन में अदर टूल्स के नेम्स लिखने हैं कि कितने टूल्स अवेलेबल हैं बिजनेस इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस के लिए या बीआई टूल्स कितने किस्म के हैं और कौन सा टूल इस वक्त मार्केट में बहुत हाई रिक्वायरमेंट रखता है अपना ख्याल रखें नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह प्लॉटिंग के ऊपर बात करेंगे टेक केयर एंड अला हाफिज अपना ख्याल रखिएगा